Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. Today, uh, we will start with the another topic. In the previous uh, lecture, we have covered up the profitability ratio. We were talking about that. In that lecture, we have covered up the gross profit ratio. Gross profit, uh, the formula of that is gross profit upon revenue from the operations into. 100 because this is the uh, this comes out in into the percentage that's why we uh, took uh, we multiply with the 100 okay um, now the next ratio is operating ratio now this ratio is talks about the uh, relation between the cost of the revenue from the operation uh, exactly what is the what was the operating cost and if द रिलेशन बिटवीन द रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन मतलब कि कितना कॉस्ट लगा था हम हमको और हमने कितना उससे रेवेन्यू ऑपरेशन से रेवेन्यू हमने कलेक्ट किया है ठीक है अनदर दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय बाई हंड्रेड बिकॉज इट कम्स आउट इन टू द परसेंटेज सो द फॉर्मूला इज द फॉर्मूला ऑफ द ऑपरेटिंग रेशियो इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू From operation upon revenue from operation. Okay, so the cost of revenue from the operation plus what we have to add operating expenses into. Hundred, okay. So that will be the formula. Now we can also say that this cost of revenue from the operation and the operating expenses uh, combinedly can be called operating cost. Operating cost upon रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑपरेशन ओके इन टू हंड्रेड और मल्टीपल अप्लाइड बाई दंड्रेड नाउ सी वॉट इज द डिफरेंस इन दिस ऑपरेटिंग कॉस्ट दिस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशन एंड देशिंग एक्सपेंसेस इज इंक्लूडेड ये दोनों ही इसमें जुड़े होते हैं ठीक है अब वी विल सी दैट हाउ वी हैव टू टेक इट आउट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन हम लोग कैसे इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं नाउ फॉर टेकिंग आउट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सिंपली वी कैन सम अप द ओपनिंग स्टॉक इन विच वी हैव टू एड Net purchase now here, net purchase means uh, credit plus uh, sales. Oh, sorry, credit plus cash, and from that you have to deduct the purchase return. Now, net purchase, then in that you have to sum up the direct expenses and you have to separate the क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम दिस सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ठीक है कॉस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है ओपनिंग स्टॉक में हमें नेट परचेस को प्लस करना पड़ता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को एड करना पड़ता है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना पड़ता है ठीक है नाउ सिमिलरली फॉर टेकिंग आउट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है ना देर इज वन मोर फॉर्मूला दैट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स जो हमारा रेवेन्यू हुआ है पूरे ऑपरेशंस या जितनी भी एक्टिविटीज हमने की है उसमें से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं हमारी जो इनकम हुई है उसमें से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो हमको कॉस्ट पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली exactly कॉस्ट कितना था ठीक है

ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉज बेनिफिट एक्सपेंसेस, जिसमें हमको डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं और अदर एक्सपेंसेस, बट अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटा के जितने भी अदर एक्सपेंसेस हुए हैं उनको हमें सम अप करना पड़ेगा कम्स अंडर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस या फिर जो हमारे ऑफिस एक्सपेंसेज हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस है डेप्रिसिएशन है इनको जब हम सम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएगा ठीक है अब देखो बच्चों ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है हमारा अभी हमने फॉर्मूले में जो चेक किया ऑपरेटिंग कॉस्ट उसमें हमारा जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है फ्रॉम दी ऑपरेशन वो भी जुड़ा है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस से वो भी जुड़ा है इट मीन्स सी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड परचेज स्टॉक है ना इन्वेंट्रीज चेंज इन इन्वेंट्रीज ये सब कुछ इसको सम अप कर देंगे और सीधे सीधे उसमें ये भी जुड़ा है इट मीन्स ये जो हमने अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस देखे है वो भी जुड़ा है जैसे की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम देश प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो हमारा क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगा ठीक है ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर कॉस्ट भी जुड़ा है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी जुड़ा है ये एक ब्रॉडर टर्म है ठीक है और ये आपको ध्यान रखना है अभी आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ही चीजें दे दी हैं, ठीक है थीके? तो सिंपली अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है तब आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम देश निकालने की जरूरत नहीं है ओके नाउ सी द दिलिस्ट्रेशन अगला हम इलेट्रेशन के थ्रू उसको और एक समझने की कोशिश करेंगे सी ऑन द पेज नंबर नंबर फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सो द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस नाउ सी द कंटेंट वॉट दे हैव गिवन उन्होंने आपको क्या क्या आइटम्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूला लगाना है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है जब भी आपको कोई भी रेशो निकालने का फॉर्मूला आ रहा है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन दी फार्मूला सबसे पहले फार्मूला लिखो सो द ऑपरेटिंग देशो मीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द देश प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस ऑन रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशन इन टू हंड्रेड नाव सी वॉट यू रिक्वयर्ड फॉर टेकिंग आउट ऑपरेटिंग रेशो आपको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए सो द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम देशन एंड दाउ सी वॉट दे है ये डायरेक्टली दिया है ठीक है फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है हाँ दिया है तो बिल्कुल सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है आपके लिए और रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशन दिया है सो वी विल पुट ऑल दैल्यूज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला

ओनली ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना एक और फॉर्मूला क्या था इन दोनों इन दोनों को जब हम सम करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम देश सॉरी कॉस्ट ऑफ दी रेवेन्यू फ्रॉम देश भी जुड़ा हुआ होता है तो आपको उसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसिस को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है ठीक है सो सिंपली यू विल पुट दी ऑपरेटिंग कॉस्ट Upon the revenue from the operations into 100. 100 into Q, it will come into the percentage. Then simply you will solve it and you will get the answer. So, cost of revenue from the operation is already included in the operating cost. So, you have to use this formula. Okay. So, whenever in the question operating cost has been given to you, यू हैव टू टेक ओनली ऑपरेटिंग कॉस्ट वो आपको सिंपली ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम देश कर देना है इन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड चलो नेक्स्ट नेक्स्ट रिलिस्टेशन देख चेक करो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन रेट ऑफ ग्रॉस प्रोफिट ऑन कॉस्ट ठीक है एंड सेलिंग एक्सपेंसिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट यू विल डू यू विल जस्ट राइट आउन द फॉर्मूला नाउ अकॉर्डिंग टू दैट वॉट यू आर वॉट यू आर रिक्वायर्ड सबसे पहले हमको रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन तो दिया है ये दिया है वॉट यू वी विल डू सिंपली द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द देश विल टेक आउट नाउ ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस कैसे मिलेगा हमको सेलिंग एक्सपेंसिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस मिल जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवेन टू अस ऑलरेडी गिवेन टू अस ठीक है ये दिया हुआ है बट वॉट वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अब देखो बच्चों अगर हमारा फॉर्मूला कहता है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस जीपी इज इक्वल्स टू द रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन ठीक है अभी मैंने आपको समझाया था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम अगर माइनस कर देते हैं जीपी को तो हमको क्या मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ दी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है सो फॉर टेकिंग आउट वी हैव टू फाइंड आउट वॉट इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑलरेडी गिवन टू अस ये हमको ऑलरेडी गिवन है है न और ये हमको अभी फाइंड आउट करना है तो हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे चलो अभी देखते हैं कैसे सॉल्व uh, किया है सी द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन सपोज कर लिया हमने की ये हंड्रेड है और जीपी आपको दिया गया है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ कॉस्ट ठीक है इसी का 100, आ, इसी का ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ठीक है तो हम मानेंगे कि हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फाइव करेंगे तो वन ट्वेंटी फाइव होना चाहिए आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सो दे हैव ऑलरेडी गिवन टू यू द ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है है ना तो आप उसका ही वन ट्वेंटी फाइव परसेंट जैसे कि हम कमीशन आफ्टर जो आफ्टर प्रॉफिट वाला चार्ज करते थे वैसे उसका परसेंटेज में ऐड कर देते थे याद है वैसे ही हमको यहाँ पे भी करना है हंड्रेड अपॉन वन ट्वेंटी फाइव है ना तो आपको एक्चुअली जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो मिल जाएगा है ना फिर आपका फॉर्मूला में आप उसको पुट करोगे आपको डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया हुआ है तो आपको सॉल्व करने में वो सिंपली आप उसको सॉल्व कर पाओगे ओके सो बाय दिस मेथड बाय दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व ऑल दी ऑपरेटिंग रेशियोज, आप ऑपरेटिंग रेशियोज को सॉल्व कर सकते हो ठीक है नाउ डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चन विल मीट इन द अनदर लेक्चर विद द अनदर रेशियो, ओके टिल देन, टेक केयर एंड डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी ओके थैंक यू बाय